एंड दिस जर्नी इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई मेमोरेबल जर्नी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। आज की जो जर्नी है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये मेरी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी होने वाली है। और अगले 34 आवर्स मैं इसी ट्रेन में हूँ, और ये है दिल्ली केरल राजधानी, और ये त्रिवेंद्रम जा रही है। और वैसे मुझे जाना है कोझिकोड, तो अभी 10:55 में इसकी टाइमिंग है, और मैं पहुँचूँगा कल रात के 9:15 कोझिकोड में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ट्रेन अब निकल चुकी है और मैं अब अंदर आ गया हूँ, तो जर्नी अब हो चुकी है शुरू। तो आइए अभी मेरे साथ ट्रेवल कीजिए दिल्ली टू केरल। दिल्ली से 11 बजे निकला था और ट्रेन अभी इसके पहले स्टॉप पे रुकी है कोटा जंक्शन में, तो मेरी ट्रेन अब कोटा पहुंच चुकी है और 6 घंटे की जर्नी मैंने पूरी कर ली है, और अभी तक की जर्नी कंफर्टेबल रही है। वैसे तो मेरी सीट ये वाली है अपर बर्थ, बट फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं अब यहीं पे बैठने वाला हूँ ताकि यहाँ से व्यू एंजॉय कर सकूँ। फिलहाल 1 घंटे की नींद के बाद अब मैं थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा हूँ, और इस ट्रेन का जो अगला स्टॉप है वो है वडोदरा, तो वो शायद रात के 7-8 बजे आएगा। 1 बजे के करीब मैंने लंच कर लिया था, उसके बाद मैं सो गया था क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गया था, क्योंकि मेरी जो टिकट थी वो वेटिंग थी 30, और मुझे लगने लगा ये कन्फर्म होगी, बट सुबह जैसे ही उठ के देखा तो टिकट कन्फर्म हो गई, तो मैंने फटाफट पैकिंग करी और उसके बाद सीधा निकल के आ गया। तो रात में भी कि मैं देर से सोया था तो इस वजह से नींद पूरी नहीं हुई थी, फिलहाल नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है, बट फिलहाल 1 घंटा सो लिया तो थोड़ा सा ठीक है। और जैसे ही उठा था मैं तो ट्रेन स्लो हो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद कोई स्टेशन आया है, तो नीचे उतर के देखा तो कोटा जंक्शन था। और दिल्ली से निकलने के बाद ये ट्रेन कोटा, वडोदरा, मुंबई और गोवा होते हुए जाएगी कैलीकट, यानी कि कोझिकोड जहाँ मुझे जाना है, और उसके आगे ये त्रिवेंद्रम तक जाती है एर्नाकुलम होते हुए। तो ये है द्रोण माधव, और ये भी केरल जा रहा है। बहुत शैतान है ये, बहुत ज़्यादा शैतान है, है ना, बहुत ज़्यादा शैतान है ना। लग गया फ़ोन लग गया, अब बात करो, फ़ोन तो उठाओ। हाँ हेलो, मेरा डिनर आ चुका है, और मैंने दोपहर में भी लंच के लिए नॉन वेज ही ऑर्डर किया था, और अभी भी मैंने नॉन वेज ही ऑर्डर किया। तो ये है एग करी, ये राइस, ये दाल, और ये होगा रोटी, और ये है गुलाब जामुन। तो मेरी ट्रेन अब वडोदरा जंक्शन पे पहुंच चुकी है, और अभी समय हो रहा है 10:30,
तो इसकी जो टाइमिंग है वडोदरा में 10:30 ही है, मैंने गलत देख लिया था कि 7 या 8 बजे है, और अभी तक बिल्कुल राइट टाइम चल रही है। और यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज है और इसके बाद यहाँ से ट्रेन निकलेगी और इसका अगला स्टॉपेज है वसई और पनवेल। और अब मुझे भी नींद आ रही है, काफ़ी थकान सी लग रही है, तो मैं भी जाके सीधा सो जाऊँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी मैं उठा हूँ और मेरी ट्रेन पहुँच चुकी है रत्नागिरी। रात में 3:30 के करीब ये वसई और पनवेल के पास रुकी थी, उसके बाद सीधा अभी रत्नागिरी में रुकी है और इसके बाद 12:30 में इसका स्टॉपेज है गोवा मडगांव में, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगी कोझिकोड के लिए जहाँ मुझे जाना है। स्टेशन पे 5 मिनट की ही स्टॉपेज है इसकी, तो अभी ये ट्रेन निकलने वाली है और मैं जा रहा हूँ उसी विंडो सीट पे बैठने जहाँ मैं कल बैठा था, क्योंकि अभी भी वहाँ पे कोई नहीं है, सीट बिल्कुल खाली है। शॉर्ट फॉर क्या, वेंकी, और ये लोग इसे वेंकी बुला रहे थे तो मैंने भी इसे वेंकी बुलाना शुरू कर दिया है। और यहाँ है सामने प्रणव कप्तान साहब, तो आप तीनों बताइए अपने बारे में हमारे ऑडियंस को। मैं नेम इज अजय जोगिस और मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ यहाँ से मैं, और ये मेरे सीनियर्स हैं दोनों, फेलो मेट्स। अच्छा, फेलो। और आप अपने बारे में बताइए। अभी तो मेरा नाम वेंकटेश है और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ सोशल वर्क में जामिया से, तो अभी हम जा रहे हैं गोवा टूर्नामेंट खेलने। तो बेसिकली, और ये है उनके टीम के कैप्टन प्रणव। आई एम प्रणव मेहरोत्रा, आई एम डूइंग एमबीए फ्रॉम जामिया यूनिवर्सिटी एंड वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर यूनिवर्सिटी इन अ क्लब टूर्नामेंट इन गोवा बेसिकली व्हिच विल बी हेल्ड इन नेहरू स्टेडियम। ओके, तो बेसिकली ये सारे वहाँ पे मैच खेलने जा रहे हैं जो कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे पार्ट लेने वाले हैं। तो गोवा के नेहरू स्टेडियम में इनका मैच होने वाला है और इनकी वजह से मेरा भी जर्नी जो है वो काफ़ी आसान हो गया है। वैसे मुझे तो आदत है सोलो ट्रैवल करने की, बट ऑफकोर्स कोई मिल जाता है तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो इनके साथ बड़ा मज़ा आ रहा है। और इसका नाम वेंकटेश है, बट ये साउथ का है नहीं, ये रहता है दिल्ली में ही है। वेंकटेश इसका नाम क्यों, उसके पीछे रीज़न है बहुत बड़ा, वो बढ़ाइए रहने दो उसको। इसलिए नाम को शॉर्ट करा दिया है। ये 6 बर्थ है इसमें, 4 और जिसमें से 4 हमारा ही है, 2 आए नहीं है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि वेटिंग लिस्ट थी मेरी 30 और जब मैं आया हूँ तो हमें यहाँ पता लगा कि 100 अवेलेबल है। क्या कर रहे हो आप लोग यार, है क्यों यार ये ऐसा नाटक क्यों है। ट्रेन अब गोवा मडगांव स्टेशन पे पहुंच चुकी है, ये गोवा का मडगांव स्टेशन है, अभी भाई लोग को यहीं पे उतरना था, भाई लोग जा रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और स्टेशन के जस्ट सामने पीछे डोमिनोज भी है, अगर आप गोवा मडगांव स्टेशन पे उतरते हो तो सबसे पहले पिज़्ज़ा खाने का। तो मडगांव जंक्शन के बाद मैंने लंच किया, उसके बाद मैं सो गया था और उसके बाद सीधा अभी उठा हूँ और तब टाइम हो रहा था 1 और अभी 4:30 हो रहे हैं, तो अच्छा खासा 3-4 घंटे सो गया मैं। और अभी अभी मुझे पैंट्री वाले भैया ने स्नैक्स के लिए उठाया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे स्नैक्स के लिए। और अगला जो स्टेशन आने वाला है वो आने वाला है मैंगलोर, और उसके बाद 1-2 स्टॉप और है, उसके बाद आ जाएगा कोझिकोड। तो ये मैं आपको कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ, ये लोग मडगांव में बैठे थे, तो जब ये लोग आए थे तब मैं ऊपर चला गया था सोने, अभी मैं नीचे आया हूँ तो इनसे बातचीत हुई है। तो आइए इन सबसे पूछते हैं इनके बारे में, इनके नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट है इसलिए इनसे ही पूछते हैं इनके नाम। बताइए अंकल क्या नाम है आपका। ओके,
Name, your name. Yes, yes. I am P.K. Shankaragutti. My name is P.K. Shankaragutti. Shankaragutti, okay. I am a retired deputy director from employment department. Mm-hmm. And now I am a practicing advocate. Okay. In Trivandrum Bar. And I have got some social activities also. Literary activities also. So I am spending my time. Okay. Great. Busiest. So you guys are going to go to Busiest man, okay. We four are friends. They have come from different fields. Okay. He is a senior lecturer in DIET, okay, District okay. Institute of Educational Training. Yeah, an academy which imparts training to teachers. He was a senior lecturer there. Then he became the state program officer of District Primary Education Program Kerala. Okay, okay. And these two fellows. His name is Mr. Velappan. उधर भी दो लोग हैं और इनका नाम है क्या? Mr. Velappan. His name is Mr. Velappan. Velappan. जी और उधर भी दो लोग हैं. Hi बोलो अंकल. Hi. Hello बोलो. Hello. Say hello. 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 Yeah. Hello. तो इनका नाम आपका नाम क्या है? Chandramohan. My name is Chandramohan. Chandramohan. और आपका? Justus. Goa. We came Goa to see of places of tourism borders. And one of my friends. He's presently working there as an engineer. Okay, okay. We visited his house and we got accommodation there. We stayed there 3 days and visited various places in Goa. Okay, that's and great. Now we are returning to Trivandrum, the capital of Kerala. Okay. So they all are from Trivandrum, which is the capital of Kerala. Aur ye log sare Goa ghumne gaye the. So ye dekh lo. तो इनसे मिलके बड़ा मजा आया और दे नो हिंदी थोड़ा थोड़ा एंड इंग्लिश पूरा पूरा Finally, I reached Kozhikode और फिलहाल मैं एक बस स्टैंड पे हूँ और the journey was very comfortable and beautiful और जो लोग जर्नी के दौरान मिले वो भी काफ़ी अच्छे थे और स्पेशली वो बच्चा द्रोण माधव he was very cute I'm going to miss him a lot बहुत ही शैतान था वो बहुत शैतान मज़ा आ गया उसके साथ खेल के मुझे and this journey is going to be one of my memorable journey और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ तो फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ मलप्पुरम जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर्स दूर है और वहाँ पे मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे एक भैया रहते हैं जो कि बैंक में वर्किंग है तो फिलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ उनके पास अब मैं मलप्पुरम पहुंच चुका हूं अपने भैया के पास और अगले 2-3 दिनों तक मैं यहीं रहने वाला हूं उसके बाद मैं निकलूंगा अपनी जर्नी पे और आने वाली जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और अगर आपको ये वाली जर्नी भी पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करो कमेंट करो शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में टिल देन गुड बाय टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग